वेलकम इन मास के रिएक्शंस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल डूइंग वेरी गुड। रिएक्शन करने वाली हूं अभी मैं वन फेमस इंडियन क्रिकेटर सरप्राइजिंग देयर फैंस। तो ये बड़ा मजे की वीडियो होने वाली है क्योंकि फैंस को अचानक से क्रिकेटर सरप्राइज करने वाले हैं। और इंडिया में तो क्रिकेटर्स जो है वो एक्टर्स से भी ज़्यादा पॉपुलर हैं और लोग इतना ज़्यादा क्रेजी हैं क्रिकेट के लिए और क्रिकेटर्स के लिए। तो उनके रिएक्शंस कैसे होते हैं देखते हैं कि कितना मज़ा आता है, किसने किसको सरप्राइज़ किया। अभी इसमें रोहित शर्मा, विराट कोहली सारे होने वाले हैं। सो मज़ा आएगा वीडियो का। सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ज़रूर और शेयर भी जरूर किया करें। और लेट्स मेरे इस वीडियो देखते हैं कि क्या होने वाला है, कैसे किसने सरप्राइज़ किया, कौन कौन है इस वीडियो में। सो अगर मज़ा आया तो उसका नेक्स्ट पार्ट भी करेंगे। सो लेट्स मेरे इस वीडियो। दोस्तों फर्ज करो अगर आपके सामने अचानक से कोई आपका फेवरेट क्रिकेटर आ जाए तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको इंडिया के कुछ ऐसे ही क्रिकेटर्स दिखाता हूं जिन्होंने अचानक से अपने फैंस को इसी तरह सरप्राइज कर दिया। घर ही आ रहे हैं। राजू दास जी, क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है आपका? अरे रो क्यों रहे हो? लोग इमोशनल होने वाले हैं इस वीडियो में, देखते हैं क्या होता है। नंबर वन पर है यूसुफ पठान। दोस्तों ये सरप्राइज यूसुफ पठान ने निशान इंडिया के साथ मिलकर दिया था, जिसमें वो सुबह एक ग्राउंड में जाते हैं और बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने लगते हैं। और पहले तो वो बच्चों के सामने ऐसा नाटक करते हैं कि जैसे उनको क्रिकेट खेलना बिल्कुल ही नहीं आती, पर बाद में वो अपना रियल गेम दिखाते हैं। ये मजे का था। अचानक ही छक्का पड़ेगा मुझे तो लगता है। अब पड़ेगा छक्का। ओए होए होए, ये पड़ा छक्का। अब जो है वो शुरू हो गए हैं। हेलमेट तो उतारो। उनको शक होना शुरू हो गया, सब इकट्ठे हो गए। पहचान लिया मैंने। ही इज ऑल राउंडर। नंबर टू पर है रोहित शर्मा। ओ रोहित शर्मा, दोस्तों ये सरप्राइज रोहित शर्मा ने अदिदास के साथ मिलकर दिया था, जिसमें अदिदास रोहित शर्मा के कुछ सुपर फैंस को बुलाता है और उनसे कहता है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या आप अपने फेवरेट प्लेयर रोहित शर्मा के जैसे हिट कर सकते हो या नहीं। और फिर अच्छा। जब वो हेड गियर पहनकर शॉर्ट्स खेल रहे होते हैं तो तब उन्हें रोहित शर्मा सरप्राइज कर देते हैं। ये काफी पहले की वीडियो लग गई है। अच्छा रोहित शर्मा ही सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं, उनको पता नहीं चल रहा बच्चों को। ओह माय गॉड, यू ऑलमोस्ट प्लेड लाइक रोहित। रोहित वो लड़के को दो एक मिनट लगा है वो पहचानने में कि ही रोहित शर्मा। उसको यकीन नहीं हो रहा। शिट, ओहो ये अंकल ने तो गले ही लगा लिए। वैसे दोस्तों रोहित शर्मा और विराट कोहली में आपका फेवरेट प्लेयर कौन है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना। नंबर थ्री पर है सौरभ गंगोली। दोस्तों ये सरप्राइज सौरभ गंगोली ने पिज्जा हट के साथ मिलकर दिया था, जिसमें वो पिज्जा हट के एम्प्लॉय बनकर नेट्स में खेलते हुए प्लेयर्स को देख रहे होते हैं और उनके हर शॉट पर रिएक्ट भी कर रहे होते हैं, जिस पर रन विजय सौरभ गंगोली से कहते हैं कि भाई क्या तुम्हें ज्यादा खेलने आता है। फिर उसके बाद क्या हुआ वो आप खुद देखिए। अच्छा वो टीम मिली होगी ना साथ। आप लोगों को क्या ज्यादा आता है क्रिकेट? चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। अच्छा पहचाने तो बिल्कुल भी नहीं जा रहे यार। अब यहाँ छक्के पे छक्के पड़ने हैं और सबको शक हो जाना है।
अच्छा अभी तो उनसे खेला है ज़्यादा, मतलब ऐसे वो प्रिटेंड कर रहे हैं। अब वो जो है ना वो गंगुली बनने लगे हैं। अच्छा ये टीम को पता है, रणवीर को पता था पता नहीं? अच्छा पूरा नाक तक नकली लगा हुआ, इसलिए इतना ज्यादा हुलिया चेंज था कि पहचान में बिल्कुल भी नहीं आ रहे थे। नंबर फोर पर है एमएस धोनी। दोस्तों ये सरप्राइज कैप्टन कूल ने लेस के साथ मिलकर दिया था, जिसमें वो कुछ लोगों के घर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं आपके साथ क्रिकेट मैच देखना चाहता हूं, पर तो मेरी एक शर्त है, वो ये है कि घर चले गए पास लेस चिप्स होना चाहिए। जस्ट इमेजिन बैट बैल और आपका फेवरेट क्रिकेटर खड़ा हो। लेकिन वो जिनके घर गए हैं वो काफी मुझे लगता है कोई बड़े एरिया में रहने वाले लोग हैं। लुक एट देयर हाउसेस। आप ही ढूंढिए ना हमारे साथ। प्लेस तो मिला नहीं। नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। नंबर फाइव पर है सचिन तेंदुलकर। दोस्तों ये सरप्राइज सचिन तेंदुलकर ने अपने सबसे बड़े फैन को दिया था, और फिर जब सचिन तेंदुलकर अपने उस फैन से मिलकर उसे सरप्राइज करते हैं तो फिर देखिए वो कितना ज्यादा इमोशनल हो गया। हम अभी अलवर जाने वाले हैं राजू दास से, जो हमारे बहुत बड़े फैन हैं। मैं बहुत एक्साइटेड हूं। आई थिंक वो किसी कॉन्टेस्ट पे इसे जीत के पता चला होगा कि वो बहुत बड़े फैन हैं। जाके कैसे मैं मिलने वाला हूं उनसे, देखिए क्या होता है अंदर। उनमें मेरे टीचर थे सर, फोन आने के बाद सोनी टीवी से फोन आया, कौन सी तो मैडम ने बोला राजू दास जी क्या मुझे ऑटोग्राफ मिल सकता है आपका? He got emotional. अरे रो क्यों रहे हो, ये तो खुशी की बात है ना। गले लग जाओ। अरे नहीं नहीं, ओह माय गॉड, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए हैं। अब पता चल रहा है कि एक रियल रियल फैन जो है ना वो अपने हीरो को देख रहा है। ओके सो यार बड़ा मजे की वीडियो थी, सबने जिस तरह से सरप्राइज किया, मजीद भी देखना चाहती हूँ और किसने कैसे किया। विराट कोहली का भी मैं देखना चाहती हूँ, उसका नेक्स्ट पार्ट जरूर करेंगे, मजा आया देखकर। एम एस धोनी तो घर ही चले गए यार, सो कितना यू नो जब वाकई फैंस के लिए कितने अच्छे मोमेंट्स होते हैं ये, कि आप भी अगर इमेजिन करें आपका फेवरेट क्रिकेटर अचानक आपके सामने आ जाए और आपके घर में बेल हो और बाहर कोई फेवरेट क्रिकेटर घर आओ, सो ऑब्वियसली तो बहुत मुझे तो बहुत मज़ा आया देख के, बहुत अच्छे से रिएक्शंस थे फैंस के भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन आपने मुझे बताना है इसका नेक्स्ट पार्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। सो मैं तो करने वाली नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि मैं और क्रिकेटर्स को भी देखने लगी कैसे कैसे सबने सरप्राइज किया। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग सी वीडियो के साथ। कीप सजेस्टिंग मोर वीडियोज, सब्सक्राइब लाइक शेयर, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।